दोस्तों हम आपका अपने इस कोचिंग इंस्टीट्यूट बालाजी एकेडमी पे आपका स्वागत करते हैं। दोस्तों आज हम आपके लिए लेके आए हैं हरियाणा करंट जीके के 100 महत्वपूर्ण पर्सन। तो दोस्तों इस वीडियो से पहले हमारी एक वीडियो टैक्सेशन इंस्पेक्टर के लिए भी है, आप उसमें जीएसटी के बारे में, वो न सिर्फ टैक्सेशन इंस्पेक्टर के तरीके से हमने बनाई है बल्कि वो सभी जो आपके कंपटीशन से एग्ज़ाम हैं, चाहे वो एसएससी सीजीएल हो या कोई भी एग्ज़ाम हो, तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखना, कम से कम 2 से 4 नंबर का आपका फ़ायदा ज़रूर होगा हर एग्ज़ाम में। तो दोस्तों आज हम अपना हरियाणा जीके का ये पार्ट स्टार्ट करते हैं। तो हरियाणा में खेलों में लाइफ टाइम अचीवमेंट में 2 लाख पुरस्कार पुरुषों को दिया जाता है, तो उस पुरस्कार का नाम रखा गया है महाराणा प्रताप पुरस्कार। इसी प्रकार जो महिलाओं के लिए है उसका नाम रखा गया है रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार। आप साथ साथ में मेरे साथ पढ़ते चलें इनको अपने, और कोई किसी क्वेश्चन में आपको डाउट होता है तो थोड़ा रुक के पढ़ लें। तो तीसरा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मैं क्वेश्चन नंबर नहीं बोलूँगा, डायरेक्ट क्वेश्चन बोलता रहूँगा ताकि थोड़ा टाइम की बचत हो सके। जो माउंट एवरेस्ट पर हरियाणा की जो 2 बहनें जिन चढ़ाई की थी वो थी तानसी और नुनसी मलिक, ठीक है। उसके बाद जो हरियाणा के जूनियर खिलाड़ियों को 1 लाख रुपए के 5 पुरस्कार प्रति साल दिए जाते हैं, उस पुरस्कार का नाम है एकलव्य पुरस्कार। इसमें 1 लाख के 5 पुरस्कार प्रतिवर्ष दिए जाते हैं। हरियाणा में जन शिकायतों के समाधान के लिए हर समाधान पोर्टल किस वर्ष शुरू किया गया था, वो किया गया था 2010 में। हरियाणा में लोकायुक्त की नियुक्ति किस वर्ष की गई थी, 2011 में हरियाणा में लोकायुक्त की नियुक्ति की गई थी। देवी रूप की योजना 2002 में शुरू की गई थी ये योजना। हर्ष किस वंश का शासक था, तो हर्षवर्धन वंश का शासक था। और जो राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र है ये आपका मानेसर गुड़गांव में है और बहुत ही अच्छा है ये, हरियाणा में जो है सेंट्रल लेवल का है। हरियाणा की जीवन प्रत्याशा लाइफ एक्सपेक्टेंसी आपकी कितनी है, 66.2 ईयर। हरियाणा की नगरीय जनसंख्या 34.88% है। भारत के किसी राज्य विधानसभा की अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला कौन थी, सन्नो देवी, जो कि 1967 में हरियाणा विधानसभा की, ये हरियाणा की भी और भारत की भी विधानसभा की अध्यक्ष बनने वाली प्रथम महिला थी सन्नो देवी, भूलना मत दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हरियाणा के वर्तमान एडवोकेट जनरल बलदेव राज महाजन हैं। हरियाणा विधानसभा के विपक्षी दल के नेता अभय चौटाला। 1969 में हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की स्थापना चंडीगढ़ में की गई थी और उसके बाद इसको 1984 में बदलकर इसको भिवानी स्थानांतरित कर दिया गया था। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड को भिवानी में 1981 में स्थापित किया गया था ये भिवानी में। हरियाणा में 10+2 शिक्षा नीति किस सत्र से लागू की गई, 1985-86। भारतीय कला संस्कृति का प्रतीक किंगडम ऑफ ड्रीम्स कहाँ पर है, तो ये गुड़गांव में है। हरियाणा का एक नाम हरियाला किस पुराण में है, तो वो ये आपका स्कंद पुराण में है। हरियाणा खादी ग्राम उद्योग बोर्ड की स्थापना 1969 में हुई थी। हरियाणा राज्य कर्मचारी चयन आयोग की स्थापना 1970 में हुई थी। हरियाणा सरकार के प्रथम एडवोकेट जनरल आनंद स्वरूप थे। हरियाणा में कुल कितने उपमंडल, कितनी तहसील हैं और कितनी उप तहसील हैं, ये अभी चेंज हुई है, 72, 93 और 50। खंड 140, कुल कस्बे 154, ये करंट अफेयर हैं, चेंज हुए हैं, आपको इनका पता होना चाहिए हर एग्ज़ाम के लिए आज से। गुड़गांव में मारुति उद्योग की स्थापना 1983 में की गई थी। प्राचीन स्थल भगवानपुरा, वो कई काफ़ी बार एग्ज़ाम में आया है कि जो भगवानपुरा है वो कुरुक्षेत्र में है। हरियाणा में इंडो ग्रीक सिक्के किस स्थान पर मिले हैं, खाकरा कोट रोहतक से मिले हैं। पंचायत चुनाव में भाग लेने के लिए न्यूनतम आयु 21 साल, विधायक के लिए 21 साल, लोकसभा सांसद के लिए 25 साल, राज्यसभा सांसद के लिए 30, उपराष्ट्रपति के लिए 35 और राष्ट्रपति के लिए
35। तो भारत की संसद में सबसे जो युवा सांसद है वो दुष्यंत चौटाला है, आपको इस बात का पता होना बहुत ही आवश्यक है। और साथ में जो पंचायत चुनाव संशोधन हुआ है उसमें जो न्यूनतम जो आयु है जो महिलाओं के लिए और अनुसूचित जाति के लिए, ये न्यूनतम शैक्षिक योग्यता निर्धारित की गई है 8वीं पास, ये अभी आपको। और ऐसा करने वाला दूसरा राज्य राजस्थान के बाद हरियाणा है। सबसे पहले ये कहाँ हुआ था? राजस्थान में। और सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था भी नागौर में ही स्टार्ट हुई थी 1969 में, नागौर जिले से राजस्थान के, ये भी आपको याद रखना है। हरियाणा में सरकार द्वारा शहरों में शौचालय निर्माण है तो कितनी राशि दी जाती है? 14,000 रुपये। हरियाणा में प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व तो कितना है? 573। हरियाणा में ख्याति प्राप्त प्रबंधन एवं विकास संस्थान कहाँ है? गुड़गांव में। हरियाणा में हड़प्पा सभ्यता से पूर्व की सभ्यता के आभूषण और अवशेष कहाँ से मिले हैं? कुणाल हिसार। ये भी पूछा सकता है कि कुणाल कहाँ है, तो आपको उसके ऑप्शन में देना है कुणाल हिसार में है। अशोक कालीन टोपरा अंबाला के निकट अभिलेख को किसने दिल्ली के पुराने किले में स्थापित किया था? वो थे फिरोज शाह तुगलक। और इसने हिसार और फतेहाबाद जो जिले हैं उनकी भी जो स्थापना का श्रेय है वो फिरोज शाह तुगलक को जाता है। और फतेहाबाद इन्होंने अपने बेटे फतेह अली खान के जन्म होने के उसके नाम पे उन्होंने उसका नाम फतेहाबाद रखा था। किस बौद्ध ग्रंथ में हरियाणा के बारे में जानकारी मिलती है? दिव्यावधान में। सिंधु घाटी सभ्यता का केंद्र बनवाली हिसार की खोज की थी आरएस बिष्ट ने 1973-74 में, आरएस बिष्ट ने। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि बनवाली कहाँ स्थित है, तो हिसार में। सिंधु घाटी सभ्यता के हरियाणा में स्थित किस केंद्र से मिट्टी का हल और जों के साक्ष्य मिले हैं? तो बनवाली हिसार। महान मौर्य शासक अशोक ने हरियाणा में कहाँ स्तूप बनवाया? थानेसर में। छठी शताब्दी में थानेसर में वर्धन वंश की स्थापना किसने की? पुष्यभूति ने की थी, जो कि बहुत ही शक्तिशाली राजा थे। मिहिर बोझ के समय में कौन सा नगर घोड़ों के व्यापार का प्रमुख केंद्र था? पेवा। और पेवा कहाँ पे है? कुरुक्षेत्र में है, ये भी आपको पता होना चाहिए। हरियाणा का सबसे लंबे समय तक राज्यपाल कौन रहा है? श्री वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती। हरियाणा में कोटला की पहाड़ियां कहाँ है? मेवात में। इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2013 के अनुसार कितने वर्ग किलोमीटर में आपका वन आवरण है? वो है 1586 वर्ग किलोमीटर। और यदि भौगोलिक क्षेत्रफल के हिसाब से देखें तो 3.59% पर आपका वन आवरण है। हरियाणा राज्य में ट्री कवर कितने क्षेत्र में है? 1282 वर्ग किलोमीटर में। हरियाणा राज्य के भौगोलिक क्षेत्र में कितने प्रतिशत पर वृक्ष आवरण है? 2.90। हरियाणा के किस शहर में हेरिटेज स्टीम लोकोमोटिव म्यूजियम है? रेवाड़ी। विश्व का सबसे पुराना चालू हालत में रेल इंजन कौन सा है? फेरी क्वीन। हरियाणा में गठित गौ सेवा आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? मनीराम मंगला। हरियाणा में आवारा गायों को रखने के लिए पहला गौ अभ्यारण्य कहाँ बनाया जा रहा है? हिसार में। आवारा गायों को रखने के लिए प्रत्येक जिले में कितने गौ अभ्यारण्य बनाए जाएंगे? 2। अभी 2 नए भी बन चुके हैं, बाडरा भिवानी और मिलकपुर यमुनानगर में। हरियाणा साहिवाल और गिर आपकी गायें की नस्लें हैं ये। बहादुरगढ़ किस्बे का पुराना नाम सरफाबाद था। रोहतक में ठारस्तन की क्रांति की शुरुआत किसने की? तो रंगड़ो ने की थी। डॉक्टर सूरजबान के नेतृत्व में हरियाणा के किस ऐतिहासिक स्थान की खुदाई हुई थी? मिथातल भिवानी। पंचवटी हरियाणा के किस जिले में स्थित है? पलवल। बागवानी से संबंधित उत्पादों के लिए हरियाणा में कौन सा ब्रांड शुरू किया गया? हरियाणा फ्रेश। हरियाणा में 170 करोड़ रुपए के निवेश से 75 एकड़ में मेगा फूड पार्क कहाँ स्थापित किया जा रहा है जिससे 12,000 लोगों को रोजगार मिलेगा? ये है ब्राही सोनीपत के अंदर। फलों फूलों सब्जियों की खेती को बढ़ावा देने के लिए करनाल में बागवानी विश्वविद्यालय के क्षेत्रीय केंद्र कहाँ होंगे? जींद, झज्जर और अम्बाला में होंगे ये क्षेत्रीय केंद्र। कृषि नेतृत्व शिखर सम्मेलन 2015 का आयोजन कहाँ किया गया था? तो इसका आयोजन किया गया था गुड़गांव में। कृषक उपहार योजना के अंतर्गत 5,000 रुपये राशि से अधिक उपज मंडी में बेचने पर उपहार कूपन दिया जाता है, तो आपको ये पता है सबको। हरियाणा में कृषक उपहार योजना शुरू की गई थी गांधी जयंती के अवसर पर 2000 में।
हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड की स्थापना 1 अगस्त 1969 को की गई थी। हरियाणा के किस स्थान पर अंतर्राष्ट्रीय फल एवं सब्जी मंडी विकसित की जा रही है? गन्नौर सोनीपत। हरियाणा में प्रति व्यक्ति दैनिक दूध की उपलब्धता कितनी है? 805 ग्राम। मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत ग्रामीण दुग्ध उत्पादकों को प्रति लीटर कितना अनुदान दिया जाता है? तो 4 रुपये का अनुदान दिया जाता है। कोटला झील किस जिले में है? मेवात। कोटला झील मेवात में है, आपको याद रखना है। सतलुज यमुना लिंक नहर किस वर्ष बनना शुरू हुई थी? 1976 में। हरियाणा के किस नदी को 31 दिसंबर 2016 तक प्रदूषण मुक्त करने की योजना है? गगर। रॉबर्ट वाड्रा जो लैंड डील के जांच के अध्यक्ष थे, जस्टिस एस एन ढींगरा। हरियाणा का पहला पेपरलेस विभाग कौन सा है? औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग। मार्च 2016 तक कितनी ई नागरिक सेवाएं सुनिश्चित करने के लिए स्टेट पोर्टल बनाया गया है? 150। हरियाणा सरकार के फैसले के अनुसार किसी भी पद के लिए साक्षात्कार के कुल अंकों को कितने प्रतिशत से अधिक नहीं होंगे? 12%। हरियाणा का पहला स्वप्रेरित आदर्श गांव कौन सा घोषित किया गया है? सुई, जिला भिवानी। हरियाणा के किस राजनेता के नाम पर महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय में हाल ही में एक पीठ स्थापित की गई है? वो है डॉक्टर मंगल सेन, जो रोहतक से 7 बार विधायक रहे हैं, उनके नाम पर रोहतक जो MDU यूनिवर्सिटी है उसके अंदर। प्रदेश की पहली NCC अकादमी खोली गई थी गरोंडा करनाल के अंदर। फरीदाबाद और पलवल के बीच कितने एकड़ क्षेत्र में स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी स्थापित की जा रही है? 80 एकड़ में। हरियाणा में सप्लाई की गई बिजली के 90% भुगतान करने वाले गाँव को प्रतिदिन कितने घंटे बिजली दी जाएगी? तो उनको 21 घंटे बिजली दी जाएगी। 1 जनवरी 2016 से वृद्धावस्था सम्मान भत्ता बढ़ाकर 1400 रुपये मासिक किया गया था। देश का पहला अत्याधुनिक आंगनवाड़ी केंद्र नंदगर हसनपुर सोनीपत में खोला गया है। लिंग अनुपात में सुधार के लिए किस जिले को 4 लाख रुपए का पहला पुरस्कार दिया गया है? तो वो जिला था पानीपत, और पानीपत को बुनकरों का शहर भी बोला जाता है। योगा और आयुर्वेद के उत्थान के लिए हरियाणा में किसे ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? तो योग गुरु बाबा रामदेव को बनाया गया है। तो दोस्तों ये आपके 100 महत्वपूर्ण पर्सन हैं, तो दोस्तों इनको अच्छी तरीके से आप इनको लर्न कर लें। वीडियो को पॉज करके बार बार वीडियो को देखें, अच्छी तरीके से इन क्वेश्चन को लर्न करें, और नेक्स्ट टाइम आपको एग्ज़ाम में इनमें से काफ़ी सारे देखने के मिलेंगे। और ये तो सिर्फ 100 क्वेश्चन पोस्ट किए हैं मैंने, इस तरीके से मैं आपके सामने कम से कम, मेरा जो लक्ष्य है कि आपको कम से कम 1000 क्वेश्चन आपको पोस्ट करूँ। तो ये तो पहला ही पार्ट था इसका, इसके और भी पार्ट आएंगे। तो फ्रेंड्स, आपको यदि वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें, ताकि आपको हमारे जो नई वीडियो है वो जल्दी से जल्दी आपको मिले। तो फ्रेंड्स, और अपने फ्रेंड्स में भी इसको शेयर करना न भूलें। थैंक यू। बालाजी अकेडमी की तरफ से राम राम, सब्बा खैर।